हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह। तो दोस्तों, आज हम DSSB का जो प्राइमरी एग्ज़ाम हुआ था 2 फरवरी 2014 को, जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स है दोस्तों, वो अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी दोस्तों प्रीवियस एग्ज़ाम देखना चाहता है कि किस तरह का पैटर्न रह सकता है, तो दोस्तों वो दोस्त हमसे जुड़ सकते हैं। तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना जो पॉइंट है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 2 फरवरी 2014 को DSSB प्राइमरी जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पहला क्वेश्चन है GK का, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था कि भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है। जो सबसे बहुमूल्य मंदिर है भारत में वो कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी के साईं बाबा का मंदिर, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर या पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा है। इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है, मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम या लक्षद्वीप। तो दोस्तों, आपको पता होगा केरल पहले भी था और अभी भी है। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, केरल। इसके बाद है, हमारे वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, SM कृष्णा, AK एंटनी, सलमान खुर्शीद या P चिदंबरम। तो दोस्तों, उस टाइम जो हमारे विदेश मंत्री थे वो कौन थे, सलमान खुर्शीद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सलमान खुर्शीद। हालांकि जो अभी हमारे विदेश मंत्री वो अलग हैं। तो दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन है, कांसा एक मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक का, कॉपर जिंक और टीन का, कॉपर और टीन का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कांसा एक मिश्र धातु है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन का मिश्र धातु क्या है दोस्तों, कांसा। भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कौन सी जगह पे है, ऑप्शन है हासन, सेकंड है पोर्ट ब्लेयर, थर्ड है विशाखापट्टनम या श्रीहरिकोटा। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जो भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है, श्रीहरिकोटा में। इसके बाद है, एशियाई खेलों का आयोजन कितने अंतराल पर किया जाता है। जो हमारे एशियाई खेल होते हैं उनका आयोजन कितने अंतराल के बाद किया जाता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो दोस्तों, जो हमारे एशियाई खेल होते हैं उनका जो आयोजन किया जाता है वो 4 वर्ष के अंतराल के बाद किया जाता है, मतलब 4 वर्ष के गैप में उनका आयोजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मतलब 4 वर्ष। मतलब डेविस कप किससे संबंधित है, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या क्रिकेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, टेनिस। जो डेविस कप है वो टेनिस से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है। ये शायद आपको पता होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 271, अनुच्छेद 356। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर शायद आपको पता होगा, अनुच्छेद 370 इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें आपातकाल लागू किया गया था, नए चुनाव हुए थे और जो जनता पार्टी थी उसको निर्वाचित किया गया था, 3री, 4थी, 5वीं या 6वीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, 5वीं। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें आपातकाल घोषित किया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे, नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य या महावीर। तो दोस्तों, महावीर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे वो कौन थे, महावीर। तो महावीर इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आज हमने 10 जो प्रीवियस एग्जाम्स में DSSB के PRT एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन अभी हमने करें। 10 क्वेश्चन दोस्तों
नेक्स्ट टाइम किए जाएंगे, और जो जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए वो हम करते रहेंगे। इसके बाद साइकोलॉजी भी करेंगे। तो जो भी दोस्त हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो जो काला बटन है वीडियो का नीचे उसे नीला करके जाएं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने जो प्यारे प्यारे कमेंट है दोस्तों ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, या आपको कुछ बदलाव चाहिए तो वो भी बताएं। तो दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।